अभी कोरोना वायरस के चलते सारे स्टूडेंट्स अपने घर में लॉकडाउन है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात थी भी क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि कहीं क्लासेस शुरू नहीं हो पाया है, तो उनको थोड़ा बहुत वो घर में अपनी पढ़ाई करें, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। तो अभी हम लोग 12th क्लास में जो अकाउंट्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सेकंड चैप्टर जो उनका एक पार्टनरशिप है वो ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए हम लोग उस पार्टनरशिप चैप्टर से आज कुछ टॉपिक का स्टडी करेंगे और ऐसे वीडियो आपको प्रतिदिन एक आपको आधे घंटे के वीडियो मिल जाएंगे। पार्टनरशिप इसलिए हमने शुरू किया क्योंकि कुछ 11 में आपने पार्टनरशिप का थ्योरी पढ़ा है, तो ये हमको पता है कि पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, और कई पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। तो जब हम उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो 11 में नहीं पढ़ाई हुई थी, आपने उसका बिजनेस स्टडीज में थ्योरी पढ़ा था, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उस पार्टनर के फर्म की अकाउंटिंग कैसे होगी, तो ये बड़ा चैप्टर है और इसमें धीरे धीरे हम लोग उसको कवर करेंगे। एक टर्म है ड्रॉइंग्स, जिसको आप सब लोगों ने 11th में पढ़ा है कि अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस मनी, इट्स कॉल्ड ड्रॉइंग्स। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर इस प्रकार का एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स अगर ड्रॉइंग्स करेंगे तो उनको इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा। अगर इस प्रकार के एग्रीमेंट हैं तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे करेंगे कि आखिर वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि कभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का डेट दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है, कभी पर मंथ के इंटरवल पे होता है, बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस है। तो चलिए हम लोग आज एक टॉपिक करेंगे और उम्मीद है कि आप इसको समझकर फिर अपने बुक से घर में आप बनाएंगे। तो टॉपिक आज का जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बस आपको इतना फोकस करना है कि आपको ड्रॉइंग्स दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया रहेगा और आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसको सीखेंगे। तो फर्स्ट रूल इज वेरी इजी, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर गिवन देन नो प्रॉब्लम। अगर वो 6 महीने के लिए ड्रॉइंग किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, 12 महीने के लिए किया तो 12 महीने का लगेगा, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन सच पीरियड। तो सच पीरियड और ये कैसे होगा, तो ये पूरे वीडियो के दौरान इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कैलकुलेशन के दौरान दो चीज आपको एज्यूम करना है, दो चीज आपको मानकर चलना है, और वो है फर्स्ट ईयर एंडिंग विल बी 31st March, 31st March एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी 12% पर। ये दो assumptions आप लेके चलेंगे, जितना क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करेंगे इस दोनों में ये चीज रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉइंग्स ₹50,000 ऑन 1st July 2019। तो ये ड्रॉइंग्स 50,000 1st July 2019 का लिया गया, इसका ईयर एंडिंग मार्च है, मार्च का मतलब 31st March 2020। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 50,000 इंटू 12% फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का मीन्स
जुलाई से काउंट करेंगे, फर्स्ट जुलाई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 9 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। तो ये बहुत सिंपल है कि हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर देंगे और इसका जो भी हमारा आंसर होना है 4500। तो इस प्रकार के कई रूल्स हैं, हम लोग एक एक करके उस रूल्स में आएंगे। तो एक रूल आपने देखा कि जब डेट दिया है तो हमको डेट के अनुसार 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 9 मंथ्स कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है या जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवन। अब क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स का डेट दिया ही नहीं रहेगा तो आप 9 मंथ्स का लेंगे कि होल ईयर का लेंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए ये मान के चला जाता है कि अगर नहीं दिया गया है डेट ऑफ ड्रॉइंग्स तो एक एवरेज पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के बीच में चलता है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एवरेज पीरियड मीन्स ऑलवेज 6 मंथ्स, ये ऐसा नहीं है। यहां लिखा हुआ है इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवेन देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड दैट मीन्स 6 मंथ, ओके। बट इफ बिजनेस इज कैरिंग फॉर 1 ईयर, if business is carrying only 10 months then average period will be 5 months not 6 months। अक्सर देखा गया है स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं है तो 6 महीने का लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऐसा नहीं रटना है, आपको ध्यान में रखना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मीन्स बिजनेस अगर 10 महीने चला तो 10/2, 8 मंथ्स चला तो 8/2, और अगर 12 मंथ्स चला तो 6 मंथ्स यानी 12/2। अब इससे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख एंड दे 12% पर एनम, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी 1 लाख इंटू 12% फॉर 6 मंथ्स। यहां पर 6 मंथ इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस में बिजनेस 12 मंथ्स चला है ऐसा मान रहे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि बिजनेस किसने कितने मंथ चला नहीं दिया है तो ये 1 ईयर हम लोग मानते हैं और उसका एवरेज पीरियड 6 मंथ होगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसको करेंगे तो ये 6000 रुपए आता है। अब कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस में दिया जाता है कि बिजनेस शुरू हुआ, किसी कारण से बिजनेस शुरू हुआ और उस बिजनेस 10 महीने ही चला तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पर 10/2 यानी 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 6 मंथ्स फॉर 1 ईयर आया है मीन्स 12/2 और ये 5 मंथ्स है बिकॉज 10/2। तो इस प्रकार से 2 चीज हो गया, लेकिन इसी से एक जुड़ा हुआ तीसरा है। कभी कभी इन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स तो नहीं दिया रहता लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड मींस दैट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है लेकिन अगर ये वर्ड आ गया कि इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड तो आपको वहां पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि अब आपको पीरियड का ध्यान नहीं देना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको पूरा का पूरा होल पीरियड यानी 12 मंथ्स, अगर साल भर बिजनेस चला है तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1 लाख का 12% 12,000 हो जाएगा। यहां पर एक चीज और ध्यान देना चाहिए, अगर रेट 12% पर एनम है, अगर रेट में पर एनम ना लिखा जाए तो इसका मीनिंग होता है कि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड है। अगर पर एनम ना लिखा जाए इसका मीनिंग है कि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड है, तो उसका भी कैलकुलेशन पूरे होल पीरियड के लिए यानी होल ईयर के लिए होगा। यानी यहां पर अभी आपको 3 रूल बता दिया गया, अगर डेट ड्रॉइंग्स का डेट दिया है तो आप उतने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, नहीं दिया है तो एवरेज पीरियड का कैलकुलेट कीजिए, और अगर इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड है तो
यानी कह सकते हैं कि रेस्पेक्टिव पीरियड जैसे ही होगा वो पूरे होल पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा। इसके और भी कई रूल्स हैं, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो थर्ड रूल है, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ ईयर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर साल में कई बार ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, तो जो ड्रॉइंग्स इतने महीने के लिए किए उतने महीने का उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इसमें एक हम लोग यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला हो जाता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। 1/12 इसलिए क्योंकि हमने पर मंथ कैलकुलेट किया है। अब ये क्वेश्चन है, आप इस पार्ट को क्वेश्चन समझेंगे, ये पार्ट आपका पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। 1 अप्रैल को 1 लाख विथड्रॉ किया गया, 1 जुलाई को 50,000, 31 दिसंबर को 20,000 एंड 31 मार्च को 10,000। अब इसी को हम लोग सॉल्यूशन के रूप में लेंगे। तो जो 1 अप्रैल को विथड्रॉ किया गया इसका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 है, तो इसमें 12 मंथ्स हुआ। उसी प्रकार इसमें 9 मंथ्स हुआ 1 जुलाई से 31 मार्च, इसमें 3 मंथ्स हुआ और इसमें 0 मंथ्स हुआ। अब हम लोग अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट आ जाता है, और प्रोडक्ट का जब हम लोग टोटल करते हैं तो ये टोटल प्रोडक्ट आ गया 70,10,000। और इस प्रकार हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट 70,10,000 इंटू रेट 12/100 एंड 1/12 पर मंथ के लिए, तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट मेथड भी कहीं कहीं यूज नहीं हो पाता है, जब अगर सपोज किया जाए कोई पार्टनर हर महीने यानी एवरी मंथ ड्रॉ करता है तो ये प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक अलग फॉर्मूला अभी देखेंगे। अब ये जो रूल 4 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये निश्चित रूप से एक क्वेश्चन में से रहता है। लेकिन इस रूल को लगाने के लिए 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि इफ द इक्वल अमाउंट आर ड्रॉन, तो अमाउंट इक्वल होना चाहिए, हर महीने निकाल रहे हैं तो इक्वल अमाउंट होना चाहिए। दूसरा है इक्वल इंटरवल, इसका इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए, यानी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ देन एवरी मंथ को फर्स्ट डे को विथड्रॉ करना है। और थर्ड है स्पेसिफाइड डेट। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग 3 स्पेसिफाइड डेट लेते हैं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द क्वार्टर। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही कहा जाएगा फर्स्ट डे, आपके ब्रेन में ये बात आनी चाहिए फर्स्ट डे मीन्स प्लस, लास्ट डे मीन्स माइनस एंड मिडिल में नो प्लस माइनस। तो फर्स्ट डे प्लस है, लास्ट डे माइनस है। अब अगर हम लोग चलते हैं कि अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरी मंथ, तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ देन 12 + 1/2 दैट मीन्स के 13/2। अब आप इसी प्रकार से कह सकते हैं लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इफ लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ देन हेयर इज माइनस ओनली, चेंज माइनस 11/2। एंड इफ मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ देन नो प्लस माइनस 12/2। तो ये जानकारी हमको रखना है कि एवरी मंथ यहां 1 क्यों आया, क्योंकि एवरी मंथ हो रहा है। अब इसी में अगर एवरी क्वार्टर आ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और मिडिल वाले में किसी में कोई चेंजेस नहीं आता, वो ऑलवेज 12/2 ही रहेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इससे पहले आपको बता दें कि जब ये सिचुएशन होगा तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और जब इस फॉर्मूला की बात करेंगे तो टोटल ड्रॉइंग्स, व्हाट डू मीन बाय टोटल ड्रॉइंग्स, इफ अ पार्टनर विथड्रॉ 1,000 एवरी मंथ दैट मीन्स टोटल ड्रॉइंग्स शुड बी 12,000।
1000 पर मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग्स 12000 नॉट 1000। ये स्टूडेंट से गलती होती है कि वो 1000 लिख देते हैं, तो टोटल ड्रॉइंग्स 12000 होगा। रेट जैसा क्वेश्चन में पहले बता दिया गया है कि हर क्वेश्चन में यहाँ पर 12% का रेट हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, तो रेट 12% होगा और एवरेज पीरियड बाय 12। तो ये जो है वो एवरेज पीरियड है। एवरेज पीरियड, हाउ यू कैलकुलेट एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड जो स्पेसिफाइड डेट मीन्स है, और यही आपका एवरेज पीरियड कैलकुलेट का सिस्टम है। एवरेज पीरियड कैलकुलेट का सिस्टम यही है। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो 12+1/3 और 12+1/2 ये एवरेज पीरियड है और ये फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां। ₹1000 आर ड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा एवरेज पीरियड क्या हुआ 13/2, टोटल ड्रॉइंग्स क्या हुआ 12000, रेट 12%, एवरेज पीरियड 13%, तो ये 780 आ गया। अगर यही क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट डे कर दिया जाए तो चेंजेस सिर्फ यहां आएगा कि 11/2 हो जाएगा और मिडिल में सिर्फ 12/2 होगा। तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तब आता है कि अगर ये जो ड्रॉइंग्स किया गया वो पूरे मंथ पूरे ईयर नहीं किया जाए बल्कि 10 महीने तक ही किया गया। सपोज यानी 1000 आर ड्रॉन एवरी मंथ अप टू 10th मंथ, देन एवरेज पीरियड नॉट 12+1, एवरेज पीरियड विल बी 10+1। तो ये सिचुएशन हमको जानना है कि जब 10 महीने तक ड्रॉइंग्स हुआ तो 10+1, 6 महीने तक ड्रॉइंग्स हुआ तो 6+1। तो इस प्रकार से हम लोग इससे एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस हम दे दे रहे हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। वैसे जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी बुक को फॉलो करेंगे तो पार्टनरशिप जो सेकंड चैप्टर है उसमें आप जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है और हर बुक में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करें। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपको हम यहां पर दे दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे दिए हैं। वैसे आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके आंसर्स भी यहां लिख दिए गए हैं, आई थिंक ये राइट हुआ है और आप इससे मैच कर लेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आप ये चीज को सीख गए। और अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बिजनेस स्टडीज के भी कुछ टॉपिक हैं उसके ऊपर भी कुछ वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा खुद से या अपने किसी कलीग से कि उस वीडियो का आपको तक पहुंचाया जाए। तो आज के लिए बस इतना, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।